सब भाई और बहनों को मेरे प्यार भरी राम राम। आज हम जिस प्लांट की बात कर रहे हैं, जेड प्लांट, आपने बहुत से यूट्यूबरों के यहाँ जेड प्लांट देखे होंगे, पर मैं वादा करता हूँ कि जो मैं आज जेड प्लांट आपको दिखाने वाला हूँ, किसी भी यूट्यूबर ने आपको आज तक नहीं दिखाया होगा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इस सच बोल रहा हूँ, इतनी हाई क्वालिटी का जेड प्लांट आप देख रहे होंगे। भाई इसमें हाई क्वालिटी क्या है, हमें कुछ दिख नहीं रहा, दिखाते हैं भाई, थोड़ा वेट कीजिएगा। ये है इसकी हाई क्वालिटी, अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं इस पौधे की, आप हाइट देख रहे हैं, बिल्कुल सीधा बिना किसी सपोर्ट के। और अभी मैं चाहूं तो भी और ही बढ़ा सकता हूं, मैंने इसे कोई सपोर्ट नहीं दे रखी है, कुछ भी नहीं है। तना इसका इतना मजबूत बना दीजिए कि पौधे को सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, वरना लोगों को क्या होते हैं जेड प्लांट, बस यहीं तक होते हैं। इतनी ज़्यादा लंबाई में जेड प्लांट को लेके जाना है, अब मैं बोलूँगा कि भाई मैं इसमें ये डालता हूँ, मैं इसमें वो डालता हूँ, और आप लोग यकीन करेंगे और आप भी अपने जेड प्लांट में डालना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, मैं जेड प्लांट को कभी भी नर्सरी से लाने के बाद कभी भी इनको रिपोर्ट नहीं करता, देख रहे हैं आप, बस यही 8 इंची 6 इंची गमले के अंदर लगा हुई है, और मिट्टी भी आपको दिख रही होगी बिल्कुल ड्राई, कुछ भी नहीं है, पानी की बूंद भी नहीं है। तो इस क्वालिटी का जेड प्लांट अगर आपको चाहिए, तो करना क्या भाई लोगों, आपको ये बताने का मन तो नहीं कर रहा है, बता दूं, पर आप लोगों को चाहिए कि भाई मैं कोई बताऊं फर्टिलाइजर कि मैं क्या जादू डालता हूँ। जो बाकी यूट्यूबर है ना, एक चम्मच में कुछ लेके आते हैं, ये डालिए और देखिए जेड प्लांट में कमाल, ये डालिए और देखिए जेड प्लांट की हाइट। कोई भी यूट्यूब वीडियो उठा के देख लीजिए, इतनी हाइट अगर जेड प्लांट की आपको कोई दिखा दे। हाँ, एक अंकल की वीडियो थी जिनके पास जेड प्लांट है 18 से 20 साल पुराना, 12 से 15 फुट उसकी हाइट है, यकीन नहीं होगा आपको। अगर टाइम मिले कभी यूट्यूब पर सर्च मारना कभी जेड प्लांट हाइजेस्ट ऊंचाई वाला, तो आपको दिखेगा उनकी वीडियो अंकल की। मैंने भी वहीं से कुछ सीखा है, और हल्का सा मैंने बस अपना नसीब वालों का दिमाग और थोड़ा सा उनसे नॉलेज लिया, और ये क्वालिटी मैंने बनाई है। खाली बस मेरे पास ये क्वालिटी नहीं है, मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये देखिए, बस टूटा हुआ गमला, पानी भी डालने की जगह नहीं है, तो भाई आप डालते क्या हो। ये सारे जेड प्लांट मैं तैयार करता हूँ बोनसाई के लिए, तो मुझे अभी धीरे धीरे बोनसाई का भी बहुत जगह है, तो इसके लिए मैंने ये नर्सरी वाला पूछा था। ये देखिए, ये बिल्कुल सीधा एकदम, अब मैं इसको यूं कर दूंगा, बिल्कुल हाइट पर जाएगा, यूँ आराम से 2 से 2.5-3 फुट की हाइट आराम से जा रही है। जैसा मन चाहे वैसा इसका जेड प्लांट बना सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इसकी तने की थिकनेस भी है। ये सारी मैं, और आपके घर में जेड प्लांट कैसे मिलेंगे आपको, ये भाई साहब ये देखिए, ये अब आप कहोगे कि एक साइड आपके पास इतने हाई क्वालिटी के हैं, दूसरी साइड आपके पास, इसका रीजन और पता लग जाएगा, जिसमें दिमाग होगा वो समझ चुका होगा कि रीजन क्या है आखिर। देखिए, आप प्लांट को अगर हैगिंग करके रखना चाहोगे तो जेड प्लांट कभी भी सक्सेस नहीं होगा। जेड प्लांट की अगर आपको ये क्वालिटी चाहिए, तो भाई इसका तरीका एक ही है। ये 3 फुट क्रॉस कर चुका है मेरा प्लांट अभी, है और बिल्कुल सीधा खड़ा है। आप ये मत सोचिए कि बेड की सपोर्ट दे रखी है, मैं ये लीजिए हटा देते हैं भाई, ये हटा दी, जेड प्लांट को सबसे ज़्यादा जो जरूरत होती है, सबसे ज़्यादा वो है सूरज की धूप, यानी प्रॉपर सन नाइट, प्रॉपर जहाँ धूप आती है 8 से 10 घंटे, जितनी भी तेज़ धूप आती हो सो वहाँ पे रखिए, आपको ऐसा जेड मिलेगा। दूसरा, नर्सरी पे कभी भी प्लांट लेके आइए, कभी भी जेड प्लांट को बड़े प्लांट, बड़े पॉट में मत लगाइए, इसको बड़े गमले मत लगाइए, जितना छोटा होगा ये, मतलब 6 इंची 8 इंची 10 इंची 10 इंच से ज़्यादा आपको बड़ा पॉट नहीं लेना है। और बिल्कुल जो बालू रेत होती है, बालू रेत समझते हो आप, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर बोलते हैं, बिल्कुल जो होती है ना, बिल्कुल
ग्रास में जो टिब्बे होते हैं उन पे जो बालू रेत होती है उसका यूज कीजिए इसके अंदर आप। किसी के भी कहने पर, किसी कहने से समझाइए, मैं बाकी यूट्यूबरों की बात करता हूँ क्यों, मेरा काम है सच बोलना। क्वालिटी है पौधे की तो मैं कुछ भी दिखा सकता था कि हाँ भाई मेरी क्वालिटी पौधे की है, मैं ये डालता हूँ वो डालता हूँ, मैं भी अच्छे व्यू ले सकता हूँ। भैया सच बताइएगा, बालू रेत कोकोपीट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, कोई फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करना, गॉड गिफ्ट पौधा है ये। इसका काम है बढ़ना, बस इसको कम पानी प्रॉपर धूप एक बार करके देखिएगा, कुछ भी नहीं डालना, कुछ भी प्रॉपर धूप दीजिए। बालू रेत, बालू रेत जैसे ये होती है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होती है जो अब किसी कहने पे कोकोपीट वगैरह डालोगे जमीन में एनी टाइम नमी बनी रहेगी, नमी रहेगी तो प्लांट ये बड़ा होगा नहीं, चाहे एलोवेरा है चाहे जेड प्लांट है स्नैक प्लांट है, इनके अंदर मतलब पानी कम चाहिए, जितना कम पानी डालोगे उतना ज़्यादा आपको जल देंगे आपको। ये पानी डाला नीचे से पानी निकल जाए, ऐसी मिट्टी इनकी होनी चाहिए, इसलिए मैं बालू रेत यूज़ करता हूँ। बालू रेत के अंदर पानी ज़्यादा टिक नहीं सकता, जितनी मर्जी बारिश हो रही हो कुछ भी हो रहा हो, पानी जितना पानी पीना होगा पिएगा, बाकी पानी सारा बाहर निकाल देगा। यहीं पे अगर लाल मिट्टी चिकनी मिट्टी कुछ भी होगी वो बहुत ज़्यादा अंदर पानी इकट्ठा कर लेगी, बाद में इसकी जड़ों को गला देगी। यही इसकी खास बात है, प्रॉपर धूप दीजिए, बालू रेत का यूज कीजिए, वाटरिंग बहुत कम करना है। मैं इसके अंदर अभी वाटरिंग नहीं कर रहा हूँ, एक बार वाटरिंग कीजिएगा 10 से 15 दिन से पानी जरूरत नहीं है, प्रॉपर धूप में रखिए, ये प्लांट मरने वाला नहीं है। इसके अंदर खुद इसके अंदर इतना पानी है, आज में क्या पानी डालोगे, देखिए देख रहे हो एक पत्ते के अंदर इतना पानी है। ये इसकी खास बात थी, मान के देखिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ यार मैं झूठ बोल रहा हूँ, अपनी जो खास चीज़ है वो छिपा रहा हूँ आपसे, कुछ भी नहीं है। प्रॉपर सनलाइट, बालू रेत, कम से कम पानी, लंबा करना है। लंबा करने का तरीका यही होता है, जैसे मेरा ये प्लांट है इसके साइड में कोई भी ब्रांच हो जा रही है उसको कटिंग कर दीजिए आप। ये बॉन्साई के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, मैं साइड में जो भी इसके ब्रांच जा रही है उसको कटिंग कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक ब्रांच थी काफ़ी मोटी, वो मैंने कट कर दी थी। अब जैसे ये ब्रांच, अब मैं इसको चाहूँ तो इसको कट कर सकता हूँ, कि मुझे अगर पौधा बिल्कुल डायरेक्ट लंबा रखना है बहुत कम टाइम के अंदर, एक ब्रांच रखिए और वो आप बिल्कुल सीधी जाएगी, डालना कुछ भी नहीं है, बस ये याद रखिएगा। मैं इस पर यकीन कीजिएगा, मैं आपको कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पौधे लगा रहा हूँ बागवानी कर रहा हूँ, तो इनसे जात जूरी मेरे लिए कुछ नहीं है, तो मैं इनके लिए झूठ नहीं बोलूँगा। ओनली फॉर प्रॉपर धूप दीजिए, बालू रेत का यूज कीजिए, कम से कम वाटरिंग, कम से कम। ये मत सोचे कि बिल्कुल मिट्टी सूख चुकी है पौधा मर जाएगा, नहीं मरेगा पौधा आपका। ज़्यादा वाटरिंग करोगे पीले पत्ते होंगे, पत्ता गिरना स्टार्ट कर देगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा।